हेलो माय डियर फ्रेंड्स, सभी प्यारे साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं विवेक कुमार यूवी कंपटीशन चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं लेकर हाजिर हूं फरवरी माह का कंप्लीट करंट अफेयर्स जीके। इसमें हम एमसीक्यू क्वेश्चन पढ़ेंगे जो कि हिंदी में है, और यह कंप्लीट फरवरी माह जो फरवरी मंथ है उसका कंप्लीट जीके है। मेरे प्यारे साथियों, डेली करंट अफेयर्स के लिए हमारा चैनल यूवी कंपटीशंस को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको हमारे द्वारा दिए गए अपडेट्स के नोटिफिकेशन मिलते रहें। इसके साथ यदि आप राजस्थान जीके में राजस्थान ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल, कल्चरल, आर्ट एंड साइंस पढ़ना चाहते हैं तो उसके लिए अनअकैडमी ऐप पर मुझे फॉलो करें, और मैकेनिकल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट्स के लिए भी अनअकैडमी ऐप पर मुझे फॉलो करें, और इस फॉलो करने का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आइए शुरू करते हैं फरवरी माह के करंट अफेयर्स का पहला क्वेश्चंस। हाल ही में कौन 200 वनडे मैच खेलने वाली विश्व की पहली महिला क्रिकेटर बनी है? ए सना मीर पाकिस्तान, बी हीथर नाइट इंग्लैंड, सी मिताली राज भारत, डी मग लैनिंग ऑस्ट्रेलिया। इसका सही उत्तर है भारत की मिताली राज। नेक्स्ट, कौन व्यक्ति हाल ही में सीबीआई के नए निदेशक नियुक्त किए गए हैं? ए अरविंद कुमार साह, बी वीरेंद्र निगम, सी राजेश पाटीदार, डी ऋषि कुमार शुक्ला। तो सही उत्तर है ऋषि कुमार शुक्ला। नेक्स्ट, विश्व कैंसर दिवस वर्ल्ड कैंसर डे हर वर्ष मनाया जाता है। ए 4 फरवरी को, बी 2 फरवरी को, सी 1 फरवरी को, डी 3 फरवरी को। सही उत्तर है 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस हर वर्ष मनाया जाता है। नेक्स्ट, किस प्रथम हिंदू महिला ने हाल ही में वर्ष 2020 में अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव लड़ने की घोषणा की है? ए रजनी पटेल, बी निशा चौहान, सी तुलसी गैबार्ड, डी रीना अग्रवाल। इसका सही उत्तर है तुलसी गैबार्ड। नेक्स्ट, हाल ही में किए गए अध्ययन के अनुसार किस वर्ष तक हिमालय के ग्लेशियर का दो तिहाई हिस्सा पिघल जाएगा? ए वर्ष 2100 तक, बी वर्ष 2050 तक, सी वर्ष 2200 तक, और डी वर्ष 2500 तक। तो इसका सही उत्तर है वर्ष 2100 तक हिमालय के ग्लेशियर का दो तिहाई हिस्सा पिघल जाएगा। नेक्स्ट, कौन व्यक्ति हाल ही में भारत के नए चुनाव आयुक्त नियुक्त किए गए हैं? ए गोपीनाथ स्वामी, बी सुशील चंद्रा, सी जगवीर सिन्हा, डी आलोक त्रिवेदी। इसका सही उत्तर है सुशील चंद्रा ओम प्रकाश रावत की जगह लेंगे। नेक्स्ट, किस भारतीय शहर में हाल ही में दक्षिण पूर्व एशिया का पहला प्रोटोन थेरेपी सेंटर आरंभ हुआ है? ए जयपुर, बी मुंबई, सी चेन्नई, डी चंडीगढ़। इसका सही उत्तर है चेन्नई में। नेक्स्ट, हाल ही में राजस्थान सरकार ने 5 पिछड़ी जातियों को 5% आरक्षण दिया है, जिनमें कौन सी जाति शामिल नहीं है? ए जाट, बी बंजारा, सी गुजर, डी गडरिया। इसमें सही उत्तर है ए जाट, क्योंकि राजस्थान राज्य में 5% आरक्षण SOBC यानी कि एक नए प्रावधान के तहत 5% आरक्षण दिया गया गुजर, बंजारा, गडरिया जातियों को, और इनमें जाट जो जाति है वो सम्मिलित नहीं है। नेक्स्ट, किस राज्य की विधानसभा ने हाल ही में सरपंच और पार्षद के चुनाव में शैक्षणिक योग्यता की अनिवार्यता खत्म कर दी है? ए छत्तीसगढ़, बी मध्य प्रदेश, सी राजस्थान, डी पंजाब। इसका सही उत्तर है राजस्थान राज्य ने सरपंच और पार्षद के चुनाव में शैक्षणिक योग्यता शिक्षा की अनिवार्यता खत्म कर दी है। नेक्स्ट, हाल ही में किसे अफ्रीकी संघ अफ्रीकन यूनियन के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? ए जॉनसन मार्स, बी अब्देल फतेह अल सीसी, सी फुलक्या वो जेम्स, डी हेलेन रोज गतेर।
तो इसका सही उत्तर है अब्देल फतेह अल सीसी। नेक्स्ट, हाल ही में हुई घोषणा के अनुसार किस शहर में मैथिली भाषा के संरक्षण हेतु पांडुलिपि केंद्र की स्थापना होगी? ए जोधपुर राजस्थान, बी दरभंगा बिहार, सी जबलपुर मध्य प्रदेश, डी लखनऊ उत्तर प्रदेश। इसका सही उत्तर है बिहार जिले के दरभंगा में, सॉरी बिहार राज्य के दरभंगा में। कौन भारतीय इतिहासकार हाल ही में इजराइल के डैन डेविड पुरस्कार हेतु चयनित किए गए हैं? ए अमित गोस्वामी, बी दिनेश शर्मा, सी आलोक माथुर, डी संजय सुब्रमण्यम। तो सही उत्तर है संजय सुब्रमण्यम। नेक्स्ट, हाल ही में किस शहर में न्यायालय की तीसरी आधिकारिक भाषा हिंदी बनी है? ए मॉस्को रूस, बी अबू धाबी यूएई, सी बीजिंग चीन, डी काबुल अफगानिस्तान। तो इसका सही उत्तर है यूएई देश के, यूनाइटेड अरब अमीरात के अबू धाबी में। नेक्स्ट, हाल ही में 61वें ग्रेमी अवार्ड्स दिए गए, जिनमें किसे बेस्ट रैप एल्बम का अवार्ड दिया गया है? ए एरियाना ग्रांडे, बी क्रिस कॉर्नेल, सी कार्डी बी, डी कैसी मुस ग्रेवस। इसका सही उत्तर है कार्डी बी को। नेक्स्ट, हाल ही में जारी अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा आईपी सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान मिला है? ए 30वां, बी 36वां, सी 12वां, डी 45वां। सही उत्तर है 36वां स्थान। नेक्स्ट, इनमें से किस टीम ने हाल ही में ईरानी कप 2019 का खिताब जीता है? ए रेस्ट ऑफ इंडिया, बी कर्नाटक, सी विदर्भ, डी मुंबई। सही उत्तर है विदर्भ ने ईरानी कप 2019 का खिताब जीता है। नेक्स्ट, कौन व्यक्ति हाल ही में एयर इंडिया के CMD चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर नियुक्त किए गए हैं? ए विश्वास सिंह, बी अश्वनी लोहानी, सी प्रमोद चरण शर्मा, डी रमेश प्रजापति। तो सही उत्तर है अश्वनी लोहानी। नेक्स्ट, हाल ही में बाप्टा फिल्म अवार्ड्स 2019 दिए गए, जिनमें किसे बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला है? ए द फेवरेट, बी स्पाइडरमैन, सी मोगेम्बो, डी रोमा। सही उत्तर है रोमा को। नेक्स्ट, कौन सा देश हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में 72वें सदस्य के रूप में शामिल हुआ है? ए ब्राजील, बी अर्जेंटीना, सी मेक्सिको, डी गुयाना। इसका सही उत्तर है अर्जेंटीना। नेक्स्ट, हाल ही में कौन IAF इंडियन एयर फोर्स की पहली महिला फ्लाइट इंजीनियर बनी है? ए किरण चौधरी, बी सुलेखा राव, सी हिना जायसवाल, डी दामिनी सिंह। सही उत्तर है हिना जायसवाल इंडियन एयर फोर्स की पहली महिला फ्लाइट इंजीनियर बनी है। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र ने हाल ही में किस भारतीय व्यक्ति को कंट्रोलर और SSG नियुक्त किया है? ए जमन पांडे, बी रघु प्रसाद यादव, सी रमेश श्रीपाल, डी चंद्रमौली रामानाथन। तो सही उत्तर है चंद्रमौली रामानाथन को। नेक्स्ट, 17 फरवरी 2019 को वेस्टइंडीज के किस खिलाड़ी ने अंतर्राष्ट्रीय वनडे क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है? ए किरण पोलार्ड, बी क्रिस गेल, सी आंद्रे रसल, डी जैसन होल्डर। सही उत्तर है क्रिस गेल ने। नेक्स्ट, 3 वर्षों के लिए टैगोर सांस्कृतिक सद्भाव पुरस्कार दिए गए, जिनमें किस वर्ष 2015 का पुरस्कार मिला है या किसे 2015 का पुरस्कार मिला है? ए विकास ठाकुर, बी फारूक अहमद, सी छाया नट, डी गोपी देवगन। तो सही उत्तर है छाया नट को। नेक्स्ट, हाल ही में किए गए सर्वे के मुताबिक भारत में लगभग कितने ग्रामीण लोग धातु प्रदूषित पानी पीते हैं? ए 4 करोड़, बी 7 करोड़, सी 8 करोड़, डी 12 करोड़। सही उत्तर है 4 करोड़ लोग आर्सेनिक या इत्यादि जो धातु है उनसे प्रदूषित पानी को पीते हैं, और इनमें राजस्थान और पश्चिम बंगाल का नाम सबसे ऊपर है। नेक्स्ट,
हाल ही में कौन अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज़्यादा छक्के जड़ने वाले बल्लेबाज बने हैं? सबसे ज़्यादा छक्के 488 छक्के। ए जोस बटलर क्रिकेट इंग्लैंड, बी डैरेन ब्रावो विंडीज, सी मार्टिन गुप्टिल न्यूजीलैंड, डी क्रिस गेल विंडीज। तो 488 छक्के जड़ने का रिकॉर्ड वेस्ट इंडीज के क्रिस गेल के नाम दर्ज हो गया है। तो सबसे ज़्यादा छक्के किसके हो गए? क्रिस गेल के। नेक्स्ट, कौन व्यक्ति हाल ही में BCCI के पहले लोकपाल नियुक्त किए गए हैं? ए MS शर्मा, बी विश्वनाथ सिंघानिया, सी DK जैन, डी चंद्रशेखर गुप्ता। सही उत्तर है DK जैन को। नेक्स्ट, हाल ही में EPFO ने PF की ब्याज दरों में 0.10% की बढ़ोतरी की घोषणा की है, जो अब कुल हो जाएगी ए 8.65%, बी 9.15%, सी 8.10%, डी 7.65%। EPFO में ने जो PF की ब्याज दर है वो 0.10% बढ़ा दी है। पहले ये जो दरें थी वो थी 8.55% और अब हो गई है 8.65%। तो सही उत्तर है 8.65%। नेक्स्ट, हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्ति नामवर सिंह का निधन हुआ, वह थे ए साहित्यकार, बी वैज्ञानिक, सी पूर्व मुख्यमंत्री, डी पूर्व क्रिकेटर। तो इसका सही उत्तर है वो साहित्यकार थे। नेक्स्ट, हाल ही में GST गुड्स एंड सर्विस टैक्स परिषद ने निर्माणाधीन घरों पर टैक्स 12% से घटाकर कितने प्रतिशत कर दिया है? ए 2%, बी 5%, सी 7%, डी 9%। इसका सही उत्तर है 5%। हाल ही में ऑस्कर अवार्ड 2019 दिए गए, जिनमें किसे बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला है? ए रोमा, बी बाओ, सी ग्रीन बुक, डी स्पाइडरमैन। इसका सही उत्तर है ग्रीन बुक को 2019 का ऑस्कर अवार्ड बेस्ट फिल्म के लिए मिला है। और इसमें इंडिया की एक मूवी भी चुनी गई है जो कि प्रेयर्स ऑफ टाइट के नाम से है, और यह मूवी भी ऑस्कर में अवार्ड प्राप्त की है। नेक्स्ट, कौन भारत में बने तेजस फाइटर जेट में उड़ान भरने वाली पहली महिला बनी है? ए प्रियंका गांधी, बी स्मृति मंदना, सी हरमनप्रीत कौर, डी PV सिंधु। तो इसका सही उत्तर है PV सिंधु, जो कि एक खिलाड़ी है, वो हाल ही में तेजस फाइटर जेट में उड़ान भरने वाली पहली महिला बनी है। नेक्स्ट, NABH ने हाल ही में अस्पतालों के लिए एंट्री लेवल प्रमाणन प्रक्रिया हेतु एक पोर्टल शुरू किया है, जिसका नाम है ए मैक, बी हॉप, सी जोस, डी रेस्ट। सही उत्तर है हॉप। नेक्स्ट, किस भारतीय को हाल ही में सियोल शांति पुरस्कार 2018 दिया गया है? ए अरविंद केजरीवाल, बी नरेंद्र मोदी, सी सचिन तेंदुलकर, डी नवजोत सिंह सिद्धू। तो हाल ही में नरेंद्र मोदी, जो कि भारत के प्रधानमंत्री है, उन्हें सियोल शांति पुरस्कार 2018 बान की मून द्वारा दिया गया है। नेक्स्ट, हाल ही में किए गए सर्वे के मुताबिक भारत में लगभग कितने ग्रामीण लोग धातु प्रदूषित पानी पीते हैं? ए 4 करोड़, बी 7 करोड़, सी 8 करोड़, डी 12 करोड़। इसका सही उत्तर है 4 करोड़ लोग। कौन अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज़्यादा छक्के जड़ने वाले बल्लेबाज बने हैं? इसका सही उत्तर है क्रिस गेल। BCCI के पहले लोकपाल नियुक्त किए गए हैं DK जैन। EPFO ने PF की ब्याज दरों में 0.10% की बढ़ोतरी की घोषणा की है, जो अब कुल हो जाएगी 8.65%। हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्ति नामवर सिंह का निधन हुआ है, वह थे साहित्यकार, वैज्ञानिक, पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व क्रिकेटर। तो सही उत्तर है साहित्यकार। कौन क्रिकेटर 27 फरवरी 2019 को नाइटहुड की उपाधि से नवाजे गए हैं? ए यान बेल, बी केविन पीटरसन, सी जॉनी बैरस्टो, डी एलिस्टर कुक। इसका सही उत्तर है एलिस्टर कुक को। नेक्स्ट, भारत ने हाल ही में क्विक रिएक्शन मिसाइल QRSAM का सफल परीक्षण किया है, जिसकी रेंज है
ए 25 से 30 किलोमीटर, बी 40 से 45 किलोमीटर, सी 50 से 60 किलोमीटर, डी 75 से 90 किलोमीटर। इसका सही उत्तर है 25 से 30 किलोमीटर। नेक्स्ट, केंद्रीय कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी ने हाल ही में किस स्थान पर तितान वाला म्यूजियम का उद्घाटन किया है? ए जिनार असम, बी बगरू राजस्थान, सी कानपुर उत्तर प्रदेश, डी सूरत गुजरात। इसका सही उत्तर है राजस्थान राज्य के जयपुर जिले, जो राजस्थान राज्य की राजधानी है जयपुर, उसके बगरू में। नेक्स्ट, हाल ही में पीएम मोदी ने दुनिया की सबसे बड़ी भगवद गीता का उद्घाटन किया, जिसका कुल वजन है ए 200 किलो, बी 500 किलो, सी 800 किलो, डी 1000 किलो। तो सही उत्तर है 800 किलो की भगवद गीता का इस्कॉन टेम्पल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन किया है। नेक्स्ट, भारतीय रेलवे ने हाल ही में यात्रियों हेतु एक डैशबोर्ड लॉन्च किया है, जिसका नाम है ए शुभ यात्रा, बी रेल दृष्टि, सी रेल यात्रा, डी रेल मार्ग। इसका सही उत्तर है रेल दृष्टि। केंद्र सरकार ने विद्यार्थियों को पढ़ाई के साथ रोजगार के लिए तैयार करने हेतु एक पोर्टल लॉन्च किया है, जिसका नाम है ए सुधीर, बी सुलभ, सी सैरियस, डी अक्षर। तो सही उत्तर है सैरियस। नेक्स्ट, हाल ही में बधिरों के लिए शब्दकोश के दूसरे संस्करण को लॉन्च किया गया, जिसमें सभी विषयों के कुल कितने शब्द शामिल हैं? ए 6000, बी 4000, सी 5000, डी 9000। तो सही उत्तर है 6000 शब्द। और लास्ट क्वेश्चन है, 28 फरवरी 2019 को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस नेशनल साइंस डे मनाया जाता है, इसकी शुरुआत कब हुई थी? ए वर्ष 1987 को, बी वर्ष 1999 को, सी वर्ष 1996 को, डी वर्ष 2004 को। तो इसका सही उत्तर है वर्ष 1987 को। तो मेरे प्यारे साथियों, ये थे फरवरी माह के कुल 46 क्वेश्चन, जो कि आपके सभी एग्जाम्स के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब यूवी कंपटीशन चैनल, और साथ ही साथ हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम और अनअकैडमी ऐप पर भी फॉलो करें। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।